मैंने पिछले पाँच सालों के प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके का, का कलेक्शन से आप लोग का पार्ट थर्ड लेकर आ रहा हूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे चाहे वो बैंक हो रेलवे हो या एसएससी हो तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर्स यहाँ से बैंक में मैक्सिमम क्वेश्चन और एस में भी क्वेश्चन आते हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड कोार्टर्स पहला हमारा है यूएनओ यूएनओ का हेड क्वार्टर ओ कहाँ है तो न्यूयॉर्क नेक्स्ट आता है यूनिसेफ यूनिसेफ से क्वेश्चन बनते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है तो वह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका भी हेड क्वार्टर होता है न्यूयॉर्क फिर बात करते हैं यू एन एफ पी ए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी इसका भी हेडक्वाटर पड़ता है न्यूयॉर्क फिर होता है न्यू एन वोमेन का हेडकोर्टर वो है न्यूयॉर्क नेक्स्ट देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडकोार्टर हमेशा वाशिंगटन डीसी होता है और डीसी का मैंने फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में लिखवाया भी था पूछा भी है क्वेश्चन में डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू एच ओ तो डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म होता है जिनेवा अभी हमारे कोरोना टाइम में डब्ल्यू एच ओ का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हमारे देश को सुधारने के क्रम में चल रहा है नेक्स्ट बात करते हैं आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वाटर होता है जनेवा फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इसकी भी हेडक्वाटर होती है जिनेवा नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वाटर होता है जनेवा नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वाटर होता है जनेवा नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी हेडक्वार्टर होता है जिनेवा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पीपीटी पर इस पीडीएफ पर तो आप लोग देखिएगा जितने भी में जितने भी कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड और इंटरनेशनल लगे हुए हैं यानी मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड और इंटरनेशनल से शुरुआत हो रही है उनका हेडकोर्टर जिनेवा है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ इंटरनेशनल लेबर इंटरनेशनल कमिटी वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड मेट्रो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी मैक्सिमम जो हमारे वर्ल्ड और इंटरनेशनल से शुरू होती है तो उसका हेडक्वाटर कहाँ होगा जिनेवा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनेवा किस देश में है नेक्स्ट बात करते हैं यूनिस्को यूनिस्को का हेडक्वाटर होता है पेरिस और यूनिस्को हमारे भारत में उन पुराने स्थलों को रजिस्टर्ड करती है यूनिस्को साइट के रूप में यूनिस्को का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट बात करते हैं ओ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कारपोरेसन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वाटर होता है पेरिस नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो वीना वियना किसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट आई ए ई ए का हेडक्वाटर वियना आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो पूरे विश्व में एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करती है नेक्स्ट ओपेक ओपेक का अक्सर फॉर्म पूछता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ ओपेक के कितने मेंबर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर होता है लंदन नेक्स्ट बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये भी लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी लंदन एफ ए बहुत बार एग्जाम में पूछा है एफ ओ ए का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर होता है रोम नेक्स्ट नाटो नाटो का भी फुल फॉर्म एग्जाम में आया है विद देयर हेडक्वार्टर्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है ब्रूसेल नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका हेडक्वाटर है बर्न नेक्स्ट एशियन की बात करते हैं एशियन अक्सर पूछता है एशियन कंट्रीज़ की बैठक होने वाली है उनका कॉन्फ्रेंस होने वाला है एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन इसका हेडक्वाटर है जकार्ता जकार्ता की जकार्ता, कि, जकार्ता किस देश की राजधानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोशन का हेडक्वाटर है सिंगापुर नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं आई आर ई ए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी यू ए ई यू ए का फुलफर्म आप मुझे एग्जाम बताइए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसको हम लोग बोलते हैं सार्क कहते हैं ना सार्क देशों का सम्मेलन कहां हो रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन को कैपिटल में लिखते हैं एस ए ए आर सी इसका हेडक्वार्टर पड़ता है काठमांडू नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेदा जेदा कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट वर्ल्ड फंड फॉर नेचर यानी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड जिसको बोलते हैं इसका हेडकोर्टर कहाँ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका भी पड़ता है जूरिच स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिविजन ऑफ केमिकल वीपन्स इसका पड़ता है नीदरलैंड का द हेग ठीक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड का लुसाने एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका भी पड़ता है स्विट्जरलैंड का जिनेवा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई बहुत बार पूछा गया है आई का हेड क्वार्टर का कहाँ है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में एंड द लास्ट आई सी ओ एम ओ एस इट मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट इसको बोलते हैं आइको आइकोमोस जिसका क्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस ठीक है दोस्तों तो ये मेरी तीसरी जीके की वीडियो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ताकि आपके साथ साथ उनका भी अच्छा हो सके उनका भी भला हो सके उनका भी एग्ज़ाम निकल सके क्योंकि मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है सबका साथ सबका विकास और इसी क्रम में ये मेरी तीसरी स्टडी वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए